तो आज मैं जिम भी नहीं गई क्योंकि अब तो कर्फ्यू लग गया है, और कर्फ्यू लग गया तो जिम सारे बंद हैं। तो मैंने घर में ही आज एक्सरसाइज करी और फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा। और अब देखो ना, आज बारिश भी इतनी हो रही है, वो मतलब बंद ही नहीं हो रही है, कंटिन्यू रात से ही बारिश हो रही है। उल्लू अपनी बड़ी मम्मी और डैडी के यहाँ पे गई है, दादी दादा मतलब अपने मतलब दादा दादी को बड़ी मम्मी और डैडी बोलती है प्यार से, तो वहाँ गई है, दो चार दिन वहाँ रुकेगी। मगर कुछ वीडियो उसने वहाँ पे भी बनाई है अपनी बड़ी मम्मी और डैडी के साथ, तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, कंटिन्यू हो रही है। ये देखो बारिश नहीं रुक रही बिल्कुल भी, हो जा रही है गाइस। मैंने इतनी मेहनत करी है, जिम में एक्सरसाइज करी है, अब देखो अब ये कर्फ्यू लग गया है और मतलब जिम वगैरह बंद हो गया, तो मैं अब एक्सरसाइज नहीं छोड़ूंगी, तो मैं एक्सरसाइज अपने घर पे ही करूँगी, चाहे मैं थोड़ा टाइम दूँ मगर एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी, क्योंकि जिम क्लोज होने से मैं अपना एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकती। घर पर भी नहीं मन सा लग रहा, रहती है तो ये रहता है कि भाई रूम आज गंदा कर देगी, चलो भाई सफाई करूँगा, अब रूम ऐसा ही रहेगा पूरा दिन बिकॉज कुल्लू तो है नहीं। करेंगे हम ब्रेकफास्ट, मेरे तो चने हैं, मैं तो अपना चने खाऊंगी, और संजू अपना ये चाय और मक्खन लेंगे, चाय सॉरी ब्रेड और मक्खन। और पूजा हमारी हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस अभी आज का मैंने जो व्लॉग है थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, मतलब कल स्टार्ट किया था, और अभी हम खा रहे सैंडविच बड़ी मम्मी क्या कर रहे हो, डैडी यहाँ पर मस्त हीटर चला के बैठे, बड़ी मम्मी क्या कर रहे हैं आप, चाय पी रही है बड़ी मम्मी, तो हम भी चाय पी रहे हैं सैंडविच के साथ। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस ब्रश किया है, गाइस देखो सारी कैसी सीलन आ रही है बारिश की वजह से, पूरी वॉल सीलन सीलन नहीं हो गई, सारा बारिश की वजह से हो रहा है सब कुछ। ये हमारे नेबर सामने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने बनाई है कि आज बारिश हो रही है, चलो कुछ स्पेशल खा लें हम, पता नहीं क्या है ये, टेस्ट तो करना पड़ेगा, मगर सोचा कि पड़ोसी भी भूखे हैं तो चलो उनको भी तो दे मैं सोच रही थी, ये वैसे थोड़ा वैसा क्रंची टाइप में लग रहा है, खा के बताते हैं क्या ये टेस्ट। ये नाइट के 8:30 हो रहे हैं और अभी भूख लग रही है, तो मैं अभी खाना वाना बनाने का कुछ मन नहीं है, यार मैगी खाने का मन है, तो मैं तो बस मैगी बनाऊंगी खूब सारी वेजिटेबल डाल के, तो मैं चलती हूँ मैगी बनाने। ये क्या लग रहा है, ये क्या चोट लग रही है मस्त है गाइस, मैगी मैगी बना, ये देखो मैं कितनी मेहनत का काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको भी सीखना चाहिए मुझसे कि मैगी बनाने में कितना मेहनत लगती है। पहले मैंने पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये मैगी बनाना है, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, ये देख रहे हो मैं एक हाथ से, क्योंकि आज मैं जो मैगी बनाने वाली ना बहुत सारी वेजिटेबल डाल के बनाऊंगी, मैगी की क्वांटिटी कम रखूंगी और वेजिटेबल ज़्यादा रखूंगी, तो अभी बॉईल हो रही है मैगी। आपको पता कितने टाइम से मैं बना रहा हूँ, मैं सुबह से मैगी को मन ही मन में बना रहा हूँ और फाइनली अब आकर के बन रही है, तो देख रहे हो सुबह से लेकर। और कुन्नू तो अपनी दादी के यहाँ पे गई है, तो मैंने सोचा चलो आज डिनर में मैगी बना लें, तो आज थोड़ा मैगी खाने का मन था, चलो मैगी बना लेते हैं, मैगी बन रही है हमारी, तो देखिए मैगी बनाना। वेजिटेबल बहुत सारी डालूंगी ना मैगी में, तो पहले मैंने मटर को ना एक सीटी लगा के इसको पहले बॉईल करूंगी, फिर वरना कच्ची कच्ची रह जाएगी, और जब मैगी बॉईल हो जाएगी इसके बाद मैं। भाई जी आप लोग ना मैगी बनाने की घर पे बिल्कुल भी कोशिश मत करना, डोंट ट्राई एट दिस होम, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, ये वाकई में बहुत मुश्किल काम है, देख रहे हो ना, ये मैं सिर्फ ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये मैगी बनने को हो रही है। मैंने अभी कढ़ाई में मक्खन डाल दिया है, क्योंकि आज मैगी हमारी स्पेशल मक्खन में बनने वाली है, और उसके बाद इधर करो इधर ये चॉप कर रहे थे मैं गाजर को, आपसे पहले कह रहा था कि बहुत मेहनत का काम होता है,
तो आप यार ये क्या कर रहे हैं आपने, सारी गाजर नीचे गिर दी चॉप करते करते यार। अब ठीक नहीं हो गई, अभी कर रही, रुक जाओ। हमने ये मैगी और मटर बॉईल कर लिए है, ये हम डालेंगे ठीक है। फिर उसके बाद हमने गाइस ये सारी वेजिटेबल चॉप कर ली, प्याज है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है, और गाजर का तो आप देख ही रहे हो गाइस क्या हाल कर दिया इन्होंने चॉप करने में। ये चॉपर का क्या हो गया, चली चल क्यों नहीं रहा। सारी वेजिटेबल मैं चॉप कर ली मैंने, इसमें गाजर चॉप हो गई मेरी सारी, अब इन्हीं वेजिटेबल में मैं रख दूंगी। गाइस हमारा मक्खन बॉयल हो चुका है, मतलब सॉरी मेल्ट हो गया है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज, नहीं प्याज डालेंगे पहले। तो हमारी प्याज थोड़ी पिंक पिंक सी रखेंगे अपनी। इसमें हमने गाजर डाल दी सारी चॉप करी हुई, डाल दी ये कैबेज मतलब बंद गोभी, शिमला मिर्च डाल दी हमने सारी, मतलब सारी की सारी वेजिटेबल हमने इसमें प्याज के अंदर डाल दी, कचौड़ दी सारी। इसके बाद हमने सारी सब्जियों को मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद डाला हमने टमाटर चॉप करा हुआ, और गाइस इसमें ना अभी थोड़ा सा नमक भी डलेगा, नमक भी मैंने डाल दिया है ताकि जितनी भी सारी सब्जी है ना वो थोड़ी घुल जाए। इसमें हमने सारे मैगी मसाला डाला, ये इस मैगी में, इसमें ये पाउच वाला होता है ना, ये हमने मैगी मसाला डाला इसमें टेस्ट के लिए। मसालों को हमने मिक्स कर देंगे, इतनी मेहनत के बाद में बनती है मैगी। गाइस हमारी मैगी बनके रेडी हो गई, गरम गरम मैगी, मैगी फर्स्ट टाइम, सारी वेजिटेबल डाल के। डिनर का टाइम हो गया है तो मैं डिनर करने जा रही हूँ, मैगी खा रही हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। देखो मैगी बनाने के चक्कर में क्या हालत हो गई किचन की, सारे में गाजर गिर गई, ये सब फैला दिया, गंदा कर दिया था इन्होंने। अब देखो मैंने सारा साफ भी कर दिया, बिल्कुल क्लीन।